Hello students, we have come again with video number 3 of chapter polynomial 10th standard CBSE NCERT. Students, इससे पहले की दो वीडियो वी हैव अपलोडेड, ये है 2.3 एक्सरसाइज. अगर इससे पहले की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए, 2.1 एंड 2.2, वहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन भी है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3, राइट, पॉलीनोमियल. इससे पहले आप तीन काम जरूर कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर देना ज़रूर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियोज़ आसानी से देख पाए, बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर. और फिर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आपको विजिबिलिटी प्रॉब्लम है या ऑडियो प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है या क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन हमारा है, वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंग डिवाइड द पॉलीनोमियल पी एक्स पॉलीनोमियल जी एक्स क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. देखिए, हम सब जानते हैं डिविजन एल्गोरिथम क्या होता है, कि वेन पी एक्स इज बींग डिवाइडेड बाई जी एक्स, राइट, वी गेट क्यू एक्स मीन्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. इट इज डिविजन एल्गोरिथम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लेकिन यहां पर हमें डिवाइड करना है, हमने 9th स्टैंडर्ड में अभी सीखा था, लेकिन अभी हम दोबारा से भी रिवाइज कर सकते हैं. सिंपली क्या करना है, पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना. माई डियर फ्रेंड्स, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी पी एक्स डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यार, पावर 3 है, फिर 2 होनी चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले हम इसे राइटिंग मेथड में लिखेंगे और इस तरह से हम लिख लेते हैं, ऐसे आप सभी को आता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहां लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2. अब जिन बच्चों को ये डिवीजन नहीं आता है वो एक बार और रीकैप कर सकते हैं. हमें एक्स क्यूब टर्म बनानी है एक्स स्क्वायर से, मींस एक्स स्क्वायर में व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट एक्स क्यूब. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, तो हम एक्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स के एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, और फिर x की मल्टीप्लाई 2x में होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x. लेकिन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आएगा माइनस 2x पर यहां है तो इसके नीचे नहीं लिखेंगे, ये x की मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो हम उसे यहां पर लिखेंगे माइनस का 2x. हमने उसे इसके नीचे नहीं लिखा, देखिए फिर मैं बता रहा हूं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2 है, सबट्रैक्ट नहीं होगा. अब क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, यहां प्लस था तो माइनस और यहां माइनस है तो प्लस. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट तो कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म डाउन आ जाएगी, ये एज इट इज ये आ गई. देखिए अब यहां पर देखिए, क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया तो ये कितना गया, 7x, और यहां पर इसे उतार लेते हैं 3. अब फिर से हमें इस x स्क्वायर से माइनस का 3x स्क्वायर हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 3, राइट. तो देखिए माइनस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या, माइनस का 3x स्क्वायर, और ये माइनस जब इससे प्लस होगा तो प्लस का कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6. तो हम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे, डिग्री 1 है तो पॉलीनोमियल तो उसके नीचे, जैसे एक्स था तो एक्स के नीचे लिखा. अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये माय डियर फ्रेंड्स हमेशा कैंसिल होगी, आपकी फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है. अब यहां पर इस 7x को एज इट इज कर लेते हैं और यहां पर कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, हमारा माइनस का 9. तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हमारा है क्यू एक्स क्वेश्चन और ये है रिमाइंडर, इसे लिख देंगे, ये है जी हमारा रिमाइंडर, आप चाहे अलग से भी लिख सकते हैं, और ये है जी हमारा क्यू यू ओ टी आई एन टी, ठीक है, क्वेश्चन. ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा रिमाइंडर, यही हमारा क्वेश्चन था. पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड में माय डियर फ्रेंड्स देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे पार्ट सेकंड को. पार्ट सेकंड में प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर पावर 4 है जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद पावर क्यूब होना चाहिए जो कि स्क्वायर दे रखा है डायरेक्ट. तो हम क्यूब को एक ऐसे लिख लेंगे, 0x क्यूब लिख सकते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, 0 के साथ. इसको इसको बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, 0x क्यूब. अब यहां पे लिख लिया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और यहां पे लिख लिया प्लस का 5. तो देखिए, एक तो ये चीज सीखने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, ये 0x क्यूब जो लिखा है, और यहां पर देखिए दूसरी बात, एक्स स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं. चलो भाई साहब थोड़ा इधर आ जाओ, यस, देखिए एक्स स्क्वायर. अब ये 1 को इधर और इसको, मैंने क्या कहा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ये, ठीक है. ये भी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में होना चाहिए. अब देखिए, आपको हमेशा फर्स्ट टर्म देखनी है, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं एक्स पावर 4 हो जाए. बिल्कुल सही, पीछे से आवाज आई, बहुत अच्छा बताया आंसर आपने, एक्स स्क्वायर, तो आ गया एक्स की पावर 4. अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस एक्स में होगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस का एक्स क्यूब. तो अब देखिए इसके नीचे लिख सकते हैं हम इसे,
और फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे होगी तो आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, हमेशा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए ये जीरो है, ये तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा सीधा एक्स क्यूब आ गया। ये मत सोचेगा कि जीरो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, आपको सिर्फ एक्स क्यूब लिखना है, जीरो एक्स क्यूब तो है ही नहीं वो टर्म क्योंकि जीरो है। अब यहां पर माइनस माइनस, तो माइनस का फोर एक्स स्क्वायर ऊपर से ले लेंगे प्लस का फोर एक्स। अब फिर से हमें एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, बिल्कुल सही है एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब एक्स में यहां मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और फिर एक्स की मल्टीप्लाई आएगी तो प्लस का एक्स आएगा। अब माय डियर फ्रेंड माइनस प्लस और माइनस साइन चेंज हो गए, पहली टर्म हमेशा कट जाएगी। ये देखिए माइनस का फोर एक्स स्क्वायर है, प्लस का तो आएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ गया प्लस का थ्री एक्स। अब यहां पर हमें एक्स स्क्वायर है, यहां पर थ्री एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के थ्री की मल्टीप्लाई हो सकती है, और यहां आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। माइनस थ्री की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस थ्री एक्स आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और माइनस के लिए तो ऊपर से हमने यहां पर ले लिया फाइव, ये वाला फाइव यहां आ जाएगा, और जब इस माइनस थ्री की करेंगे तो माइनस थ्री। अब प्लस माइनस प्लस, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये भी टर्म कैंसिल होकर यहां आ गया एट। तो माय डियर फ्रेंड ये तो हो गया हमारा आर एक्स रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्यू एक्स। आंसर लिख देंगे कि हमारा क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में तीन पार्ट थे, दो हमने सॉल्व कर लिया, एक आपका होमवर्क है माय डियर फ्रेंड्स। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बहुत जल्दी से, मैं रब कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके देखते रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास कवि कहता है इस एनसीईआरटी में हमें चेक करना है, माय डियर फ्रेंड्स चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं ले लेता हूं, एक ही पार्ट में ले पाऊंगा। हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में एनसीईआरटी के थ्री पार्ट्स हैं, मैं एक पार्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी बहुत आसान है, और हमें चेक करना है कि दो पॉलिनोमियल गिवन है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए एक तो गिवन है टू टी पावर फोर यस प्लस थ्री, इसके फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम थ्री टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइनटी माइनस ट्वेल्व, एंड हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस थ्री। देखिए माय डियर फ्रेंड्स हमारे को बताना है, चेक करके बोलना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। माय डियर फ्रेंड्स हमने आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड में बताया था कि अगर इफ दिस पॉलिनोमियल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल कंप्लीटली लाइक रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है। ठीक है चलिए डिवाइड करके देखते हैं अब जरा, ये तीनों पार्ट बिल्कुल सेम है। टी स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सही टू टी स्क्वायर, तो यहां आ गया माय डियर फ्रेंड टू टी पावर फोर। अब टू टी स्क्वायर की इसमें होगी तो यहां कितना आ जाएगा माइनस का सिक्स, बिल्कुल सही। लेकिन हम देखिए यहां पर क्यूब टर्म है तो हम लिखेंगे इसके नीचे माइनस का सिक्स टी स्क्वायर, क्योंकि टू टी स्क्वायर की जब इसमें होगी तो माइनस का सिक्स टी स्क्वायर आएगा, जो कि हम टी स्क्वायर के इसके नीचे नहीं लिख रहे हम, तो यहां माइनस और यहां प्लस तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमेशा। अच्छा थ्री टी क्यूब ये बुरा मान जाएगा तो इसको नीचे ले लेते हैं, और यहां पर कितना आ गया सिक्स टी स्क्वायर में से टू टी स्क्वायर तो आ गया फोर टी स्क्वायर माइनस का नाइनटी माइनस का ट्वेल्व। अब बहुत जल्दी से देखिए हम इसको क्या करेंगे, अब फिर से देखिए टी स्क्वायर है तो हम किसकी मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल सही थ्री टी की, तो ये आ गया थ्री टी क्यूब, और थ्री टी की मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो माइनस का नाइनटी आएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो माइनस और प्लस कैंसिल, और यहां पर ये भी कैंसिल, तो फोर टी स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। अब किसकी मल्टीप्लाई करें, यस फोर की, तो फोर टी स्क्वायर हो जाएगा, और फोर थ्री जो होता है ट्वेल्व, साइन चेंज कैंसिल। तो देखिए माय डियर फ्रेंड रिमाइंडर जीरो आ गया हमारा, और जैसे रिमाइंडर जीरो आए तो हम कह सकते हैं यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर जीरो आ गया है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसका देखिए बाकी के जो रेस्ट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर सेकंड के देर आर थ्री पार्ट्स, फर्स्ट हमने कर दिया, दो बचे वो आप होमवर्क में करेंगे और हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, बहुत जल्दी से देखिए वीडियो हमारा बहुत साइज लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है
क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑब्टेन ऑल अदर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे स्कूल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, पी एक्स थ्री एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। अब यहां पर बोल रहा है कि रूट फाइव अपॉन थ्री और माइनस का रूट फाइव अपॉन थ्री। देखिए भाई फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको लिख लेते हैं, रूट फाइव अपॉन थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया। देखिए थ्री एक्स पावर फोर, पावर फोर है इस क्वेश्चन नंबर थ्री की, इसका मतलब एक बाय क्वाड्रेटिक है। जितनी डिग्री होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसकी डिग्री है फोर, जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं, इसके जीरोज होंगे फोर। हमेशा आपको दो जीरोज देगा और बोलेगा कि इसके फोर जीरोज होने चाहिए ना, दो हम आपको दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। अब बाकी जो रेस्ट फोर बचे, आई मीन टू बचे हैं, उन्हें फाइंड करिए। तो अब देखिए, हमें ये क्वेश्चन बहुत ही एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, प्लीज इसको देखने के बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल देखिए, आरएस अग्रवाल में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो दो जीरोस दिए हैं उसको एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे। अब एक बार इनका सम निकाल लेंगे, सम अल्फा प्लस बीटा। देखिए इन दोनों का जब सम करूंगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे तो सम तो आ गया जीरो। और एक बार इनका निकाल लेंगे माय डियर फ्रेंड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करूंगा जब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का फाइव अपॉन थ्री आ जाएगा प्रोडक्ट। और आप जानते हैं अगर आप पे सम और प्रोडक्ट हो तो आप पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ये हमने सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इन टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए एक्स स्क्वायर, ये जी एक्स आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां जीरो रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, और प्लस माइनस का प्रोडक्ट। तो देखिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गई माय डियर फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन थ्री। ये कैसी है क्वाड्रेटिक। अब देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहले जो दो जीरोस दिए उनसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी पॉलिनोमियल को, ये देखिए ये जो हमें गिवन है एक्स पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, डिवाइड करना आपको पिछली दो आ ही गया होगा, जिसको नहीं आया थोड़ा सा और देखिए। ये देखिए कुछ बच्चे ना इससे डरते हैं फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शन आ गया सर अब कैसे होगा, कुछ नहीं है, आप सिंपली जैसे आप डिवाइड करते हैं वही रूल फॉलो करिए। देखिए एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं, थ्री एक्स स्क्वायर करेंगे ना, तो यहां पर आ जाएगा थ्री एक्स पावर फोर। अब इसकी मल्टीप्लाई जब मैं इससे करूंगा तो देखिए माइनस फाइव अपॉन थ्री की मल्टीप्लाई थ्री एक्स स्क्वायर से करूंगा तो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर लिखना है, क्यूब के नीचे ही क्यूब लिखना है, एक्स के नीचे ही एक्स लिखना है, यही आया ना। देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, चलिए अब जरा देख लेते हैं, माइनस प्लस ये तो कैंसिल हो गया, सिक्स एक्स क्यूब ऊपर से आ गया माय डियर फ्रेंड्स, ये कितना हो गया, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स। चलिए जल्दी से देख लीजिए फिर से क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि सिक्स बनाए, तो करेंगे टू एक्स से मल्टीप्लाई। अब टू एक्स से करूंगा तो देखिए यहां तो सिक्स एक्स क्यूब आ जाएगा ना, लेकिन जब इसकी मल्टीप्लाई टू एक्स से करेंगे ना मल्टीप्लाई, हमें बनाना है सिक्स, नो हम करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमें सिक्स एक्स क्यूब बनाना है तो सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा सिक्स एक्स क्यूब। चलिए यहां तो बन गया, अब जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो थ्री टू जा और बचेगा माइनस का टेन एक्स माई डियर फ्रेंड्स, माइनस का टेन एक्स बचेगा। तो अब देखिए यहां माइनस यहां प्लस, ये कैंसिल ये कैंसिल, ऊपर से ये यहां पर आ गया थ्री एक्स स्क्वायर और यहां पे आ गया माइनस फाइव, यहां पे आ गया डायरेक्ट। अब क्या किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ओनली थ्री से, तो बन गया थ्री एक्स स्क्वायर। अब जब थ्री की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस का फाइव बचेगा केवल, यहां माइनस यहां प्लस कैंसिल जीरो, रिमाइंडर आ गया जीरो। अब सिर्फ हमें लास्ट हाफ है, देखिए फिर बता दूं, हमें दो जीरो चाहिए थे, हमने क्वाड्रेटिक बना ली, इसे डिवाइड करा, अब हम पे एक क्वाड्रेटिक आ गई, ये देखिए हम पे आ गई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री। अब सिर्फ हमें इसे स्प्लिट कर देंगे
और हमारे पास दो जीरोस जो आने थे वो आ जाएंगे 3x प्लस 3x, देखिए और ये आ गया है, आप सभी को दिख भी रहा होगा 3x कॉमन x प्लस 1, 3 कॉमन x प्लस 1, 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1। आपको पता ही है जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, एक बार इसे जीरो से इक्वेट करेंगे, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब ये करेंगे तो माइनस 1 और यहां से भी माइनस 1, तो इसके तो दो जीरोस थे माय डियर फ्रेंड्स, वो आ गए माइनस 1 और माइनस 1, सेम भी आ सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, हमें इसके बायक्वाड्रेटिक थी 4 जीरोस, हमें 2 और जीरोस निकालने थे, हमने इसके दो जीरोस और निकाल लिए, कैसे, दो जीरोस गिवन थे उससे क्वाड्रेटिक बनाई, उससे फिर डिवाइड किया और फिर उसे स्प्लिट कर दिया, तो हमारा आंसर आप फाइनली ऐसे लिखेंगे, हैंस जीरोस आर, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं दिस 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 एंड दिस, जो 4 जीरोस हैं लाइक 1, 2 और फिर 3 एंड 4, 4 जीरोस हैं। देखिए जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना इसका अपलोड होने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कवि, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एनसीईआरटी ऑन डिवाइडिंग। देखिए माय डियर फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, आप देखिए जरा अपनी बुक में, आप एनसीईआरटी की बुक प्लीज अपने सामने रखिए, और है कि ऑन डिवाइडिंग दिस मीन्स पी एक्स हमारे को गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स एबसेंट है, क्यू एक्स क्वेश्चेंट आता है एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर आता है माइनस का 2x प्लस 4, तो जी एक्स बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करने पर क्यू एक्स इतना आता है आर एक्स इतना, तो हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम जानते हैं पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स माइनस आर एक्स, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखिए पी एक्स के प्लेस पर मैं रखूंगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, जी एक्स को रिप्लेस करूंगा एक्स माइनस 2 से, क्यू एक्स है और सॉरी जी एक्स तो हमें फाइंड ही करना है माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी सॉरी, क्यू एक्स के प्लेस पर रखूंगा एक्स माइनस 2 और आर एक्स के प्लेस पर रखूंगा माइनस का 2x प्लस 4, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया, हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पुट कर दिया। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई में इन दोनों टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये 2x उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का प्लस का 2x हो जाएगा उधर जाके ये वाला और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए ये आ गया 3x और ये आ गया माइनस का 2 जी एक्स एक्स माइनस 2। अब सिंपली मेरा जी एक्स कैसे सॉल्व होगा, ये x माइनस 2 माय डियर फ्रेंड डिवाइड में जाकर दिख रहा है आपको जी एक्स आ गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 सॉरी प्लस का 3x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, क्लियर है। अब देखिए सिंपली दिख रहा है माय डियर फ्रेंड जी एक्स आपका कैसे आएगा आंसर, आपको सिंपली एक्स माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड कर देंगे और जो आपका क्वेश्चन आएगा वो ही आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आपका एच डब्ल्यू है, आप इस वीडियो को देख के कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आंसर कि कितना आया, इसको एक्स माइनस 2 से आपको सिंपली डिवाइड करना है, चेक करेंगे कॉमेंट सेक्शन में बताना है आपको। अब इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ऐसे एग्जांपल्स बताइए कि डिग्री ऑफ पी एक्स, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत मजा आएगा आपको, डिग्री ऑफ क्यू एक्स के इक्वल होना चाहिए। देखिए माय डियर फ्रेंड्स पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये कह रहा है ऐसे एग्जाम्पल्स बता दो पी एक्स और जी एक्स के एक एग्जाम्पल ले लो कि जो पी एक्स की डिग्री हो वही क्वेश्चन की डिग्री हो। तो देखिए मैं जैसे लेट कर रहा हूं, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी, जैसे मैं लेट कर रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 4 को किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 भी तो एक पॉलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। तो देखिए जब मैं डिवाइड करूंगा माय डियर फ्रेंड्स
तो देखिए डिवाइड करा तो कितना आया, यहां पर आ गया x पावर 4, राइट। तो यहां पे आ गया 2x पावर 4 भाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे और बस तो माइनस का आ जाएगा। देखिए इससे सिंपली है, अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहते, यहां पर आ जाएगा 4, फिर 2 2 जा 4, प्लस का 2 2 जा 4, ये तो क्लियर हो गया ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, x पावर 4 प्लस 2, राइट। अब आप देखिए सिंपली आपका जो पी एक्स है, पी एक्स है आपका 2x स्क्वायर प्लस 4, और आपका क्यू एक्स क्या है, एक्स पावर 4, सॉरी पावर 4 क्यों आ गई, हमने तो स्क्वायर लिया है, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, हमने स्क्वायर लिया है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, पावर 4 है तो फिर 4 से लेना पड़ेगा। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जरा देखिए पी एक्स की डिग्री कितनी है, 2, और क्यू एक्स की डिग्री कितनी है, 2। यही हमें प्रूव करना था कि ऐसे एग्जाम्पल्स लीजिए, पी एक्स और जी एक्स के एग्जाम्पल लेने आपको, कि जब डिवाइड करें तो जो पी एक्स की डिग्री है वही क्यू एक्स की डिग्री होनी चाहिए, इट शुड बी, बताइए सही है, क्लियर है। अब मैं आपको ये भी HW दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपका होमवर्क है ये कि आप जो इसके रेस्ट टू पार्ट्स हैं उसमें ब्रेन लगाइए, थोड़ा सा घर बैठे देखिए इतना तो कर ही सकते हैं, और फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है माय डियर फ्रेंड्स। जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है तब तक हमारी ये वीडियोज इस तरह आपको स्टडी को बढ़ाना है आगे। तो अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो ऑप्शनल एक्सरसाइज, पहली बात तो अब कोई ऑप्शनल नहीं रही है माय डियर फ्रेंड्स, अब ऑप्शनल एक्सरसाइजेस भी आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़नी पड़ेंगी। तो 2.4 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवाएं चैनल और इसके बारे में बताएं, क्योंकि स्टडी में और जो भी विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है, या फिर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझे जरूर बताएं व्हाट्सएप पर या फिर इसी कॉमेंट सेक्शन में चैनल में, राइट। तब तक नमस्कार, सेफ रहिए, साफ रहिए और घर में रहिए। जय हिंद।